Oh my god! Who is this? Where are you going, sir? Where are you going, sir? Sir, I'm giving you paparazzi feeling, sir. Sir, sir, sir. One shot, sir. Sir. Alright, so what's up, everybody? Welcome back to my channel. This is Charles. It's back again with a new day, new vlog. अभी बच रहे दोपहर का ढाई और हम शुरू कर रहे हैं व्लॉग अभी, क्योंकि सुबह से कुछ किया नहीं है. एंड अभी हम जा रहे हैं राघव के साथ बॉलिंग करने सामने निको पार्क में, जो कि राघव के घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स तक है. और वहाँ जाके हम करेंगे बॉलिंग. बहुत सस्ते में बॉलिंग मिल रही है, 150 रुपये है ना, 150 रुपये पर पर्सन. कितना शॉट्स? 250 में दो 20 शॉट. 250 में 20 शॉट, 40 शॉट में दो, 200 का 40. हाँ, 250 रुपये में 40 शॉट्स भाई. मतलब आराम से वहाँ पे 40 से 50 मिनट पे लग ही जाएगा, नो डाउट. तो चलो अब चलते वहाँ पे. एंड पहले वो जो अपना एंटरटेनमेंट है वो पूरा करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे आज पार्क स्ट्रीट, क्योंकि आज है 24 दिसंबर और आज है क्रिसमस ईव का मौका. तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे और एक बहुत भारी सा एक मतलब सीन हो चुका है हम लोग के साथ, तो हम लोग का टंटा काट चुका है. पहुंचे निको पार्क सुपर बोल एंड इट्स शोइंग दैट 60 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम 9:00 to 9:00 ऑल डेज. बट 60 रुपये तो है, कुछ होगा उसमें भी, ऑनलाइन लेना शायद है, देखते भी क्या बताते हैं लोग. मेरा ये लाइफ का फर्स्ट टाइम मैं बॉलिंग करने जा रहा हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है. वैसे मैंने रील वील बहुत देखा है और कुछ कुछ ऐसे देखा कि बॉल ऐसे लेके ऊपर मॉनिटर में मार दिया, तो वो सीन नहीं हो मार क्या. एकदम परफेक्ट ये थंबनेल रहेगा. मैंने स्ट्राइक लिया फर्स्ट में स्ट्राइक ले लिया, दो शॉट के बाद स्ट्राइक ले लिया इसने. गटर चश्मा उड़ गया भाई. कर ब्लंडर. सो मेरा एसएस है फेल है, राघव का 7 है पॉइंट. ओ एक शॉट में सारा गिरा है, बस 3 बाकी है. 12 किसी का बॉल ही नहीं है उनके पास. 10 किलो का हाईएस्ट है. 11. हैवी गो भाई. एक बच गया. बॉलिंग नहीं किया फर्स्ट टाइम लाइफ में, बोल रहा हूँ मैं. फर्स्ट टाइम में लाग गया बॉलिंग से, इजी दिखता है बहुत हार्ड है भाई. बॉल उड़ा दे रहा है, बॉल उड़ा रहा है, पकड़ो उसको.
ऑफकोर्स ये राघव ये कंपटीशन है ही नहीं भाई, ये कंपटीशन है ही नहीं, ये वन साइड विन है। जनाब बॉलिंग करने के बाद आप पहुंचते हैं पेट पूजा करने, क्योंकि बॉलिंग जितनी आसान दिखती है उतना आसान बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न हो चुकी थी, तो इसीलिए बाजू में पिज़्ज़ा हट था तो सोचे कि चलो वहाँ जाके कुछ पिज़्ज़ा ही दबाया जाए। तो मैं और राघव चल पड़े वहाँ पे और खाते पीते हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम आगे कहाँ चले और कैसे क्रिसमस ईव को एक सॉर्टेड क्रिसमस ईव बनाए। वन इटर्निटी लेटर फाइनली हम लोग पार्क स्ट्रीट तो पहुँच चुके हैं एंड फिलहाल हम लोग पार्क स्ट्रीट घूमने नहीं जा रहे, फिलहाल हम लोग एक क्लब और पब जा रहे हैं राघव और उसके कुछ दोस्तों के साथ, वफेरा नाम है एंड वो भी पार्क स्ट्रीट में ही है। पर ये वाला पार्क स्ट्रीट था ना, लेकिन ये तो था पार्क पता नहीं, जो भी यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी बहुत देखी है वो रात को हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे अच्छे से, पर फिलहाल तो अभी थोड़ा लेट हो चुके हैं, थोड़ा टाइम के पीछे चल रहे हैं इसीलिए हम लोग अभी इस तरह जा रहे हैं। एंड अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, म्यूज़िक व्यूजिक कुछ ऐसा बज नहीं रहा है अभी, होपफुली 12 बजे के बाद ऐसे फील हो, काउंटडाउन वगैरह हो, देखता हूँ। अच्छा वो भी है, जो भी हो सकता है हम लोग, मैं तो बेसिकली वो पार्कशीट के लिए इंटरेस्टेड हूँ और इतना जो हाइप टब है कि भाई इंडिया का बेस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन कहा जाता है कोलकाता में। और ये जो टावर दिख रहा है आपको भाई साहब, ये है अकॉर्डिंग टू दिनू दा, ये टावर का नाम है 42, लेकिन यहाँ पे 64 तला का बिल्डिंग भाई। तो अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि कोलकाता का बुर्ज खलीफा सबसे लंबा बिल्डिंग, कोई बोका चोदा 64 तला का बिल्डिंग का नाम द 42 रख दिया, क्या बोलेगा, इतना कंफ्यूजिंग क्यों रखा पता नहीं। और यहाँ पे एक एक फ्लोर में मेंशन एक ही इंसान रहते, सोचो भाई मतलब क्या गजब चीज है। और इंटरप्शन पर मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि लाइक डे वन पे हम निकले थे 24th, आई मीन क्रिसमस ईव को हम क्रिसमस एंजॉय करने पार्क स्ट्रीट पे निकले थे, लेकिन हमको क्लब में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसीलिए हम लोग इन डेप्थ पार्क स्ट्रीट तो घूम नहीं पाए, इन डेप्थ तो पार्क स्ट्रीट को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पर मैंने पार्क स्ट्रीट के कुछ ग्लिम्स लिए हैं जो मैं अपने साथ हमेशा अपनी ये कोलकाता ट्रिप की एक याद बनाकर अपने चैनल पे आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आइए चलिए पहले वो देखते हैं एंड उसके बाद
हम करेंगे दिल से निकली हुई कुछ कोलकाता शहर के बारे में बातें। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी पार्कशीट की ग्लिम्स अच्छी लगी होगी और आपने ये क्लिप देख के जो कुछ भी महसूस किया है, मैंने वो पूरी चीज़ पूरे सातों के सातों दिन कोलकाता के स्ट्रिप पे महसूस की है। जी हाँ, ये भी एक शहर है और लेकिन इस शहर में भी भागम भाग है, लेकिन इस शहर के इस भागम भाग पे भी आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक शांति महसूस होगी, आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ महसूस होगा। पता नहीं कोलकाता में ऐसे क्या चीज़ है, मैं बॉम्बे में रह के आया हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड यू कैन से, तो वो भी एक सिटी है, कोलकाता भी एक सिटी है, लेकिन मुंबई पे सुकून बिल्कुल नहीं है और कोलकाता एक सिटी होने के बावजूद आपको सुकून मिलती है और वो कैसे मिलती है मुझे नहीं मालूम। अगर बात किया जाए कोलकाता के लोगों के बारे में तो कोलकाता के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर पे है, आपसे बात करते हैं, दोनों आप एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन जब आप एक दूसरे के सामने आओगे, आप जब बात करना चालू करोगे, आपको एक पता नहीं एक अपनापन महसूस होगा जो शायद से दुनिया के किसी शहर पे आपको महसूस ना हो। और रही बात खाने पीने की या फिर जिंदगी गुजारने की, कोलकाता एक ऐसी शहर है जहाँ पे एक गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीर सब अपनी लाइफ एक ही मार्जिन पे जी सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपए है तो भी आप भूखा नहीं मरोगे, अगर आपके पास 500 रुपए है तो भी आप भूखा नहीं मरोगे। 5 रुपए से 500 रुपए तक सबके लिए इस शहर पे एक लाइफस्टाइल खड़ी की गई है। बट यही कहना है कि यार मतलब अगर आई एम जस्ट सेइंग अगर मेरा करियर का प्रेशर ऐसा नहीं होता, मेरा करियर ऐसा मुंबई बेस्ड नहीं होता और ये दुनियादारी की लाइक थोड़ा प्रेशर मेरे पे नहीं होता, तो बॉस सब कुछ छोड़ छाड़ के इस शहर पे बस जाता। मैं पिछले 1.5 साल से मुंबई पे हूँ, मैं मुंबई के साथ अभी भी वैसा टच पे नहीं आया, वैसा कनेक्शन नहीं बना पाया उस शहर के साथ, लेकिन कोलकाता में मैं 7 दिन रह के इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया उस शहर के साथ कि जब मैं कल रात को ट्रेन पे बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस शहर को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, उस शहर से बिछड़ के जा रहा हूँ। तो मैं क्या बताऊँ यार, सही में मतलब बहुत 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 ही अच्छा शहर है। आप अगर कभी ज़िंदगी में कोलकाता नहीं आए हैं तो लाइफ में एक बार ज़रूर इस शहर पर आइए, 4-5 दिन के लिए सही आइए लेकिन आइए ज़रूर और देखिए। यहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा अलग है, यहाँ पे कोई एक ऐसा काइंड ऑफ जेलसी नहीं है, कोई ऐसा काइंड ऑफ लाइक मैं तुमको नहीं जानता तो मैं तुमसे क्यों बात करूँ, ऐसा एक अलग सा स्ट्रेंजर बना नहीं है, सब यहाँ पे कहीं ना कहीं से अपनापन एक महसूस हो जाता है और उसके चक्कर में आपका ये दिल जो है ना बहुत खुश रहता है। और जब आपका दिल खुश है ना, आपको सुकून मिल ही जाएगा, आप मजे कर ही लोगे, आप जिंदगी जी लोगे। सो यही बताना था। सो विद दैट से थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग, इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो एंड जॉइन दी साहिल सरकार फैमिली। मिलते अगले किसी ऐसे व्लॉग या वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर एंड अ ग्रेट 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 थम्स अप एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड राघव अग्रवाल जिसने मुझे कोलकाता का इतना बढ़िया टूर करवाया और उसके साथ रहने का मौका दिया। हम लोग ने भी बहुत सी मेमोरीज इकट्ठा किया है जो कि शेयर करने लायक नहीं है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, बट ठीक है जो भी है, मज़ा बहुत आया। आशा करता हूँ फिर कभी कोलकाता आओ और फिर से इन्जॉय करें हम लोग। सो तब तक के लिए टेक केयर, शब खैर।